स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, पर क्या आप इन सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल्स के नाम ठीक से बता सकते हैं? अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद है, लेकिन असल में गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। इसी तरह दुर्भाग्यवश हम में से बहुत से लोगों को भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित 7 सिस्टर स्टेट्स की कैपिटल्स को लेकर भी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इससे भी बड़ा कन्फ्यूजन आजकल भारत में एक राज्य की राजधानी को लेकर बना हुआ है। और ये कन्फ्यूजन केवल आम जनता में ही नहीं बल्कि यहाँ के पॉलिटिकल सर्कल्स और इस राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। ये कन्फ्यूजन भी इतना भीषण है कि यह आज से नहीं बल्कि बीते कई सालों से चल रहा है। कभी कोई इसकी एक राजधानी बताता है तो कभी कहा जाता है कि इस राज्य की 3 अलग अलग राजधानी होंगी। ऐसे में आम जनता से लेकर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल सिस्टम तीनों ही इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में उलझा हुआ है कि आखिर इस स्टेट की कैपिटल है क्या। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, जो यूं तो 1953 में ही भारत का पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पर बना हुआ स्टेट बन गया था, लेकिन 2014 से ही यह अपनी राजधानी की तलाश में भटकता दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर वो क्या कारण है कि अपने एस्टैब्लिशमेंट के लगभग 7 दशक बीत जाने के बाद भी आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी को लेकर इतना कंफ्यूज्ड है? चलिए आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन के जरिए हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस रिलेटेड सेक्शन में पूछा जा सकता है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों 2 जून 2014 को जब आंध्रा से तेलंगाना विभाजित हुआ तो हैदराबाद भी उसी के साथ चला गया। ऐसे में आंध्र प्रदेश को अपनी नई कैपिटल को लेकर संभावनाएं तलाशने की जरूरत थी। उस समय आंध्र प्रदेश में तेलुगु देसम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी। ऐसे में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने 2015 में आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी APCRDA एक्ट 2014 लाकर आंध्रा के अमरावती को एक ग्रीनफील्ड फ्यूचरिस्टिक और वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी के रूप में स्थापित करने का फैसला किया। यही नहीं, उन्होंने अमरावती को सिंगापुर की तरह डेवलप करने और यहां के मास्टर प्लान को बनाने के लिए 2 सिंगापुर गवर्नमेंट अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स की भी मदद लेनी शुरू कर दी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि आंध्रा से हैदराबाद जैसे हिस्टोरिक और IT हब जैसी कैपिटल सिटी छिन जाने की वजह से नायडू अमरावती को इस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए तब सबका यही मानना था कि आंध्र प्रदेश अमरावती के रूप में अपनी खुद की वर्ल्ड क्लास लेगेसी एस्टैब्लिश करना चाहता है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नायडू की अमरावती के रूप में इस चॉइस का एक दूसरा पॉलिटिकल कनेक्शन भी था। असल में अमरावती के आसपास के लैंड के ओनर्स वेल्दी कामा फार्मिंग कम्युनिटी है, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के कन्वेंशनल सपोर्टर्स रहे हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू के इस प्लान के मुताबिक ये वर्ल्ड क्लास सिटी 217 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करने वाली थी और उस समय इस काम की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट $8 बिलियन आंकी जा रही थी। ऐसे में अमरावती को वर्ल्ड क्लास कैपिटल के रूप में एस्टैब्लिश करने की घोषणा होते ही यहाँ के आसपास के जमीनों के रेट्स आसमान तक जा पहुंचे। इसका सीधा फायदा यहाँ के कामा फार्मर्स को मिला। यही नहीं, इन जमीनों के ट्रांसफर ऑफ टाइटल्स और चेंज ऑफ लैंड यूज का प्रोसेस भी दुगनी तेजी से होने लगा। यहाँ के लैंड रिकॉर्ड ऑफिसेज में तो मानो रोज एप्लीकेंट्स का मेला ही लगने लगा। लेकिन CM नायडू के इस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो पाना इतना आसान नहीं था। असल में इस सीधे दिखने वाले प्लान में बहुत से लूप होल्स और एंगल्स शामिल थे। उदाहरण के लिए, अमरावती सिटी को डेवलप करने के लिए जिस 54,000 एकड़ लैंड को आइडेंटिफाई किया गया था उसमें से तकरीबन 42,000 एकड़ लैंड कल्टीवेटेड लैंड था। यही नहीं, इसमें भी 40,000 एकड़ का लैंड इरिगेटेड था। ऐसे में जहां एक ओर यहां के वो फार्मर्स जिनका लैंड इस प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर होने वाला था उनके कॉम्पनसेशंस आसमान छूने वाले थे, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ के फार्म्स के फार्मिंग लेबरर्स और लीज होल्डर्स अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। यही नहीं, यहाँ की ज़्यादातर ज़मीन ब्लैक कॉटन सॉइल की है, जिस वजह से कॉटन के प्रोडक्शन के लिए तो ये पूरा एरिया सोने के समान है, लेकिन हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए मोस्टली अनसूटेबल। इस सब के बीच 2019 में इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू की सरकार गिर गई और उनकी जगह ली जगनमोहन रेड्डी ने। दोस्तों मई 2019 में आंध्र प्रदेश में सरकार बनते ही जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने चंद्रबाबू नायडू का अमरावती को राज्य की राजधानी बनाने का फैसला पलटने का मन बना लिया। इसी सिलसिले में GN राव कमेटी की रिकमेंडेशन पर रेड्डी गवर्नमेंट ने जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020 को पास करके एक की जगह आंध्र प्रदेश को
तीन अलग अलग कैपिटल्स देने का फैसला किया, जिसके अंतर्गत विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुरनूल को जुडिशियल कैपिटल बनाया जाना था। इस फैसले के पीछे स्टेट गवर्नमेंट की दलील थी कि तीन अलग अलग कैपिटल्स होने से प्रदेश में डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो चंद्रबाबू नायडू की तरह ही जगनमोहन रेड्डी ने भी आंध्रा के इस कैपिटल डिबेट में एक पॉलिटिकल एंगल ढूंढ निकाला था। जहां एक ओर नायडू टीडीपी ने अपने बीते दो टर्म्स में अपने स्ट्रांग सपोर्टर रहे कामा कम्युनिटी को और मजबूत करने का काम किया, तो वहीं अब दूसरी ओर इस पावर डिसबैलेंस को दूर करने के लिए जगनमोहन रेड्डी वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश की दूसरी लैंड ओनिंग कम्युनिटी रेड्डी कम्युनिटी को मजबूत करने की ठानी। यह हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंध्रा की रेड्डी कम्युनिटी भी कामा की ही तरह कन्वेंशनल फार्म ओनर्स रहे हैं, जो जगनमोहन का गढ़ माने जाने वाला रायलसीमा में डोमिनेंट है। यही नहीं, पॉलिटिकल थिंकर्स की माने तो आंध्रा में तीन कैपिटल स्टैब्लिश करने के पीछे सीएम रेड्डी की मंशा ये है कि वो खुद को किसी पर्टिकुलर रीजन या कम्युनिटी में बंधने के बजाय समूचे आंध्र प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में गवर्नेंस और पॉलिटिकल माइलेज के इस मिले जुले खेल में रेड्डी की तीन राजधानियों में से एक रायलसीमा में स्थित कुरनूल को राज्य की जुडिशियल कैपिटल बनाया जाना था, लेकिन जल्द ही जगनमोहन रेड्डी का ये मास्टर प्लान भी कानूनी पछड़ों में उलझ गया। असल में अमरावती के फार्मर्स ने राजधानी रायथू परिरक्षणा समिति के अंडर एकजुट होकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जल्द ही ये मुद्दा हाईकोर्ट जहां पहुंचा, जहां राजधानी रायथू परिरक्षणा समिति का कहना था कि राज्य सरकार ने अमरावती के इन किसानों की जमीन अमरावती को एक फुल फ्लेज स्टेट कैपिटल की तरह विकसित करने के लिए एक्वायर की थी। ऐसे में सरकार द्वारा लैंड एक्वायर करने के बाद उसका यूज ट्रांसफर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। युद्ध उस मामले को कोर्ट में जाता देख आंध्र सरकार ने 2020 का थ्री कैपिटल एक्ट नवंबर 2021 में ही वापस ले लिया था, लेकिन फिर भी इस मामले पर सुनवाई जारी रखते हुए आंध्र हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर दो सख्त टिप्पणियां की। आंध्र हाई कोर्ट की थ्री जज बेंच, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस एम सत्यनारायण मूर्ति और जस्टिस डीवीएसएस सोमयाजुलू शामिल थे, उन्होंने अपने पहली टिप्पणी में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो हाई कोर्ट की लोकेशन को लेकर कोई लेजिस्लेशन बना सके। ऐसे में आंध्र हाई कोर्ट को अमरावती से हटाकर कुरनूल पहुंचाना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं। और दूसरा ये कि हाई कोर्ट की ओर से स्टेट गवर्नमेंट को अमरावती को स्टेट कैपिटल की तरह डेवलप करने के लिए मार्च 2023 तक का अल्टीमेटम दे दिया गया। हाई कोर्ट के इस 307 पेज के वर्डिक्ट को चैलेंज करते हुए जगनमोहन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे, जहां उनका कहना था कि जुडिशरी स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट कैपिटल डिसाइड करने की पावर से वंचित करना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर और सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन करते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर स्टे लगा दिया है और तभी से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इसी सबके बीच 31 जनवरी 2023 को सीएम जगन ने न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीट को एड्रेस करते हुए ये डिक्लेयर कर दिया कि विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैग ही आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी। पर इस नए फैसले का गणित समझने से पहले हम सीएम रेड्डी के तीन कैपिटल प्लान की खामियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल कैपिटल को शिफ्ट करना वो अकेला मुद्दा नहीं है जो सीएम रेड्डी के तीन कैपिटल प्लान की राह में रोड़ा बनने वाला है। दोस्तों, ये तो जगनमोहन रेड्डी के इस फैसले के ठीक बाद ही इसके विरोध में आवाजें उठने लगी, क्योंकि ये मसला केवल अमरावती या कुरनूल का नहीं बल्कि इस पूरे प्लान का था, जिसकी वजह से इस पूरे प्लान को इंप्लीमेंट करने की राह में एक इससे भी बड़ी समस्या खड़ी हुई थी और ये समस्या थी कॉस्ट फैक्टर की। अगर आप आंध्र की करेंट वाईएसआरपीसी गवर्नमेंट पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इस गवर्नमेंट की सेंटर पीस पॉलिसी ही वेलफेयर है, लेकिन वेलफेयर के लिए रिक्वायरमेंट है पैसे की। ऐसे में अगर हम फरवरी 2023 में आरबीआई द्वारा रिलीज्ड रिसेंट रिपोर्ट्स की ही बात करें तो हम पाएंगे कि आरबीआई के अनुसार आंध्र प्रदेश 4.42 लाख करोड़ रुपीस के डेट के साथ इंडिया के 10 हाई डेट स्टेट्स में से एक है। यही नहीं, बीते 6 महीनों में आंध्र प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को भी अपने पेमेंट्स में अनप्रेसिडेंटेड देरी फेस करनी पड़ी है, जिसके चलते हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शमशेर सिंह रावत भी अपने एक प्रेस स्टेटमेंट में इस हकीकत को स्वीकारते दिखे कि स्टेट की ओर से न केवल सैलरीज और पेंशन्स का मंथली पेमेंट में देरी हो रही है बल्कि बीते कुछ महीनों में एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को उनके ड्यू अमाउंट का 90% पेमेंट ही हो पा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में तीन कैपिटल बनाए जाने से न केवल अमरावती बल्कि कुरनूल और विशाखापट्टनम में लैंड एक्वायर करने और उसके बदले कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने के लिए भी स्टेट को पैसे की जरूरत है, जबकि स्टेट तो खुद ही विशियस डेट साइकिल में फंसा हुआ है।
क्योंकि सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 से लेकर 2020-21 तक आंध्रा ने अपनी टोटल बोरोइंग्स का 65-81% केवल डेट रिपेमेंट के लिए यूज किया है, जबकि अनऑफिशियल और कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग एक्वायर किए हुए लैंड के कॉम्पनसेशन से उसकी वैल्यू का 150% देने के लिए स्टेट को कम 1.5 ट्रिलियन रुपीस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ मसला केवल पैसे का ही नहीं है, तीन अलग अलग सिटीज़ में कैपिटल को एस्टैब्लिश करना एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप उन सिटीज़ की पोजीशन पर गौर करें तो आप पाएंगे कि आंध्रा की प्रपोज्ड एग्जीक्यूटिव कैपिटल वाइजैग उसकी जुडिशियल कैपिटल कुरनूल से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। ऐसे में इन अलग अलग कैपिटल्स और यहाँ होने वाले इंटरकनेक्टेड वर्कफ्लो के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना एक टेढ़ी खीर है। खासतौर पर यह समस्या आंध्र की प्रपोज लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती और एग्जीक्यूटिव कैपिटल वाइजैग के बीच की दूरी पर अधिक लागू होती है, क्योंकि इससे असेंबली सेशंस के दौरान एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे में अब जब विशाखापट्टनम को कैपिटल बनाए जाने की बात उठती है तो चलिए अब हम इस पहलू को भी जान लेते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी आईक्यू के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी आईक्यू ने प्रण लिया है कि यूपीएससी सीएससी 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी आईक्यू अपना लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ hours का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 28th ऑफ फरवरी है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो हमेशा से विशाखापट्टनम हैदराबाद के बाद यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी रही है। यही नहीं, ज्वेल ऑफ ईस्ट कोस्ट कहे जाने वाले विशाखापट्टनम को इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग के मामले में भी कैपिटल के तौर पे एक मजबूत पक्ष सामने रखती है। साथ ही यहाँ कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिहाज से न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी पर्याप्त स्पेस मौजूद है, जिसके बारे में आंध्र प्रदेश की ऑल्टरनेटिव कैपिटल को तलाशने के लिए बनाए गए श्री कृष्ण पैनल ने भी अपने रिकमेंडेशंस में डिटेल को शेयर किया है। तो क्या वाकई विशाखापट्टनम ही आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बनने जा रही है? अब इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन इन सभी दिक्कतों के बीच भी जगन रेड्डी सरकार कहीं ना कहीं अपने तीन कैपिटल के प्लान के साथ खड़ी दिखाई देती है। असल में जब लीगल केसेस में फंसे डिसेंट्रलाइजेशन लॉ को गवर्नमेंट ने नवंबर 2021 में स्क्रैप किया, तब ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये प्लान भी स्क्रैप किया जा रहा है, लेकिन उसके ठीक बाद स्टेट असेंबली में ही सीएम रेड्डी ने तीन कैपिटल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए एक बेटर और कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाने की भी बात कही। साथ ही बिना कोई फिक्स टाइमलाइन मेंशन किए सीएम ने पिछले बिल के सभी लूपहोल्स को फिल करने की भी बात कही, जिसे देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि सीएम तीन कैपिटल मॉडल से विशाखापट्टनम के रूप में वन कैपिटल मॉडल पर शिफ्ट होने को पूरी तरह तैयार हैं। यही कारण है कि यदि आप सीएम रेड्डी के विशाखापट्टनम को कैपिटल बनाने वाली घोषणा पर गौर करें तो उन्होंने इस स्टेटमेंट और अपने तीन कैपिटल प्लान के स्टैंड को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर आंध्र प्रदेश की किस्मत में क्या लिखा है। दोस्तों, अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो मैं आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश की जनता का लोकल स्टैंड क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द आइडिया ऑफ मल्टीपल स्टेट कैपिटल्स, एक्सप्लेन इन व्हाट वे इट मे इंपैक्ट द गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट इन द कंट्री, substantiate with suitable examples. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।